हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एकेडमी विला। आई एम आशुतोष एंड लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 10 की पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 7 जिसका नाम है द स्लीपिंग पोर्टर, उसके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है इस चैप्टर को लेकर, तो आप इस चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा और फिर आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं ताकि आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को रिपीट कर सकें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि हु हैज कंपोज द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर, यानी कि जो स्लीपिंग पोर्टर पोएम है उसको किसने लिखा है। तो इट्स आंसर इज ए, यानी कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा इस पोएम के लेखक हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज द हीरो ऑफ द माउंटेन अकॉर्डिंग टू पोएम। माउंटेन, पहाड़ों का हीरो कौन है, कौन किसको माना गया है। तो इट्स द पोर्टर। पोर्टर मतलब आपने पोएम में पढ़ा है कि जो सामान ढोने वाला इंसान है उसको पोर्टर कहा जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह सामान को पोर्ट करता है। दैट्स वाई ए इज द राइट ऑप्शन फॉर द सेकंड क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन, विच इज व्हाट डिस्टेंस डज द पोर्टर कवर इन द स्नोज ऑफ विंटर, यानी कि बर्फ में, है ना, मतलब क्या कहते हैं, विंटर सीजन में ना, जाड़े के समय में जो बर्फ़ से जो चीज़ें ढकी रहती हैं उस टाइम पे, तो कितना डिस्टेंस कवर करता है पोर्टर अकॉर्डिंग टू पोएम, है ना। ठंड की ऋतु में जब बर्फ़ से सब कुछ ढका हुआ रहता है, उस समय जो पोर्टर है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है पोएम में क्या दिखा गया है। तो इट्स 6 miles, है ना, 6 miles की दूरी वह उतने ठंड में भी अपने पीठ पर इतना वजन रख के कैरी करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वॉट कवर्स द माउंटेन रोड। ये तो पता ही है आपको, हमने बात करी थी बर्फ वाले जगह की, तो माउंटेन वाले रोड को किस चीज़ से मतलब ढका हुआ पाया गया है पोएम में। तो इट्स द स्नो, बर्फ इज द राइट ऑप्शन फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। मूविंग टू द फिफ्थ वन, विच इज व्हाट इज द वेट ऑफ द लोड ऑन द बैक ऑफ द पोर्टर। अब यही पूछा गया है कि जो पोर्टर है ना वो अपने पीठ पे कितने केजी का सामान लेकर ढोता है। तो इट्स बी, दैट इज 25 किलो। वो 25 किलो का वजन लेकर अपने पहाड़ पे चढ़ाई करता है, पोर्ट करता है सामान को। तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। मूविंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, विच इज व्हाट इज द कलर ऑफ द पोर्टर्स कैप। पोएम में ये बताया गया है कि पोर्टर कौन से कैप पहन के घूम रहा है इस पोएम में, तो वह ब्लैक कैप है। तो सी इज द राइट ऑप्शन। सो सेवेंथ क्वेश्चन इज वेयर वॉज लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा बॉर्न। पूछा जा रहा है कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जो कि इस पोएम के लेखक हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ है। तो उनका जन्म हुआ है काठमांडू में। सी इज द राइट ऑप्शन। तो आठवां क्वेश्चन है कि वेयर इज द हट। पोएम में ये भी दिखाया गया है कि एक झोपड़ी है, वो झोपड़ी कहाँ पर है पूछा जा रहा है। तो वह ऑन द क्लिफ, चोटी के ऊपर है यह झोपड़ी। तो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर द एट्थ क्वेश्चन। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन इज हुम वॉज द पोर्टर चैलेंजिंग। इस पोएम में ये भी दिखाया गया है कि जो पोर्टर है ना वो किसी को चैलेंज कर रहा है। तो वो किसको चैलेंज कर रहा है, तो वह पहाड़ को चैलेंज कर रहा है। सो सी आंसर होगा नाइन्थ क्वेश्चन का। टेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ऑप्टेन डिग्री फॉर BA फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी। उन्होंने जो BA की डिग्री ली थी वो कौन सी यूनिवर्सिटी से ली थी, उन्होंने ली थी पटना यूनिवर्सिटी से। तो बी जो है राइट ऑप्शन है। सो 11वां क्वेश्चन है कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा इज ए रिनोन डैश एंड स्टोरी राइटर। बोला जा रहा है कि लक्ष्मी प्रसाद जो देवकोटा थे वह एक जाने माने एक स्टोरी राइटर तो थे ही, उसके साथ साथ और क्या थे, उसके साथ साथ पोइट भी थे। तो ए राइट ऑप्शन है। चलिए 12वां क्वेश्चन है कि द पोर्टर इज आउट ऑफ डैश, यानी कि जो पोर्टर है ना वह उसके मतलब वो आउट ऑफ क्या है, आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब हाँफने लगता है जब भी वो सामान की चढ़ाई करता लेकर चढ़ाई करता है। तो पोर्टर इज आउट ऑफ ब्रेथ। तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर द 12th क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द 13th वन, दैट इज द पोर्टर इंजॉयज अ गुड एंड पीसफुल डैश। जो पोर्टर है वह एक अच्छी और शांतिमय वाली क्या इंजॉय करता है। चलिए तो देख लेते हैं, इट्स स्लीप। अच्छा हाँ, उसने पोएम में दिखाया है कि जो पोर्टर है ना जब वो सोता है तो बहुत चैन की नींद लेता है, उसको एक शांत और अच्छी नींद लेता है, उसको आनंद से इंजॉय करता है। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर 13th वन। नाउ मूविंग टू द 14th नंबर, दैट इज़ द पोर्टर वॉज गोइंग अप अ डैश। जो पोर्टर है वो कहाँ ऊपर जा रहा था, वह एक चोटी पे जा रहा था, क्लिफ। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर द 14th नंबर। नाउ 15वां क्वेश्चन क्या है, द पोर्टर्स कैप इज डैश एंड स्वीट स्टेन्ड। जो पोर्टर का कैप है वह बहुत डर्टी है एंड स्वीट स्टेन, है ना, यहाँ पे स्वीट SWEET नहीं होगा, SWEAT होगा, स्वीट मतलब पसीना, उसके धब्बे वगैरह थे उसके टोपी पे और डर्टी भी था, गंदा भी था, मैला।
तो बी राइट ऑप्शन है 15वें क्वेश्चन के लिए। 16वां क्वेश्चन क्या है कि पोर्टर्स माइंड इज डैश, पोर्टर का जो माइंड है वो कैसा था, बहुत डल था, तो डी बी इज द राइट ऑप्शन फॉर द 16वां क्वेश्चन। नाउ 17th क्वेश्चन क्या है कि एज अ रिजल्ट ऑफ वेरी हार्ड वर्क द पोर्टर्स डैश बीट फास्ट। इसमें देखा गया है कि रिजल्ट ऑफ वेरी हार्ड वर्क मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के वजह से जो पोर्टर का क्या चीज़ बहुत फास्ट बीट अप करने लगा है, तो ऑब्वियसली हर्ट होता है, जो दिल होता है वो बहुत तेज बीट करता है, धड़कता है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। नाउ 18वां क्वेश्चन क्या है कि एट द एंड ऑफ द पोएम द पोर्टर इज इन डीप डैश, मतलब पोएम के अंत में जो पोर्टर है वह गहरी किस में है, गहरी स्लम्बर में है, यानी कि शॉर्ट स्लीप, इसको मैंने लिख दिया आंसर के रूप में, स्लम्बर में है, डीप स्लम्बर में है ना, यानी कि गहरी नींद में है। पोएम के एंड में दिखाया गया है कि पोर्टर जो है बहुत गहरी नींद में है ना। 19वां क्वेश्चन है कि इन द लास्ट लाइन द रीडर फाइंड्स दैट रीडर फाइंड्स द पोर्टर डैश ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, यानी कि रेनिंग, यानी कि कहा जा रहा है रेनिंग मतलब होता है राज करना, राइनिंग भी बोलते हैं। तो लास्ट लाइन में देखा गया है रीडर यानी कि हम लोग पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो पोर्टर है ना वह जब सोता है तो वह नींद की दुनिया पर राज करता है, राइनिंग है ना, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ 20th क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है नहीं सॉरी अभी और भी क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इन द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर द पोर्टर्स हर्ट वॉज ट्विटरिंग लाइक अ डैश, यानी कि पोएम में स्लीपिंग पोर्टर पोएम में पोर्टर का जो हर्ट है वो कैसे ट्विटर कर रहा था, जैसे कि एग्जाम्पल किसके लिए गया, वो बी बर्ड का लिया गया, तो बी इज राइट ऑप्शन है। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लाइक अ बर्ड हिज हर्ट इज ट्विटरिंग इज फ्रॉम, देखिए ये लाइन क्यों बोली गई, मैंने ये क्वेश्चन क्यों आपके लिए लाया हूँ, क्योंकि देखिए ऐसे करके अगर मान लीजिए आप पेपर में दे रहे हैं तो पेपर के टाइम पे आपको ये पता नहीं होता है कि कौन से क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, तो इसलिए ये जो MCQ है अगर आप एकाएक देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के बीच में कि लाइक ए बर्ड हिज हर्ट इज ट्विटरिंग, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा कि ये जो लाइन है आपको बताना है कौन से पोएम से लिया गया, तो ऑब्वियसली इट्स द सी आंसर, ताकि स्लीपिंग पोर्टर से ये लाइन को लिया गया है। तो इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ कवर किए हैं और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।